दोस्तों नमस्कार, एक बार फिर से आपका हमारे YouTube चैनल डिवाइन उत्तराखंड में स्वागत है। जय बद्री विशाल, जय बाबा केदार। भगवान बद्री विशाल और बाबा केदार की कृपा से आप सभी लोग सुरक्षित होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज का नया ब्लॉग हम आपको एक बार फिर से उत्तराखंड की बर्फीली वादियों में लेके चल रहे हैं और देख सकते हैं 3 दिनों से लगातार पिछले 36 घंटों से पहाड़ों में बर्फबारी हो रही है। और ये खूबसूरत तस्वीर जो है वो उत्तराखंड के औली की है और बर्फबारी के बीच हर कोई यहाँ मौज मस्ती करता हुआ नजर आ रहा है। वादियाँ इतनी खूबसूरत हो गई हैं, बर्फ़ की फुहार हर किसी को अपनी ओर आकर्षित कर रही हैं। गाड़ियों में बर्फ की मोटी चादर, सड़कों पे बर्फ ही बर्फ। और ये औली जाने वाला मार्ग है, हर तरफ इस समय बर्फ की मोटी चादर बिछ चुकी है। चाहे उत्तरकाशी हो, टिहरी, रुद्रप्रयाग या फिर चमोली, बद्रीनाथ, हेमकुंड साहिब, नीतिमाणा घाटी, और हर तरफ इस समय बर्फ की मोटी चादर बिछ चुकी है। और तस्वीर अपने आप में बेहद खूबसूरत, लेकिन जबरदस्त सर्दी का सितम शुरू हो गया है पहाड़ों में। इस समय मार्च का महीना है, अमूमन मार्च में इतनी ज़्यादा ठंड दिखती नहीं है, बर्फबारी होती है लेकिन थम जाती है। लेकिन ये 3 दिनों से जो बारिश हो रही है उसने जनजीवन अस्त व्यस्त कर दिया है। लगातार बारिश, मूसलाधार बारिश, जो बरसात के टाइम पे जैसी बारिश देखने को मिलती है वैसी बारिश इस समय हो रही है। पेड़ पौधे, सड़क, हर तरफ बर्फ ही बर्फ देखने को मिल रही है। गाड़ियाँ भले ही आ रही हैं, आधे रास्ते तक जा रही हैं, 4x4 पूरी औली तक जा रही हैं। और ये देखो, ये जोशीमठ के ऊपर की तस्वीर है। और यहाँ से जब औली के लिए जाते हैं तो बेहद ही खूबसूरत नज़ारों के साथ यहाँ से औली का जो सफ़र होता है, क्योंकि जब बर्फ़ आ जाती है तो बहुत खूबसूरत यहाँ की तस्वीर आ जाती है। क्योंकि ये बर्फ़ मार्च में हो रही है, ऐसे में ये ज़्यादा टिकेगी तो नहीं। और ये देखिए, ये चेयरलिफ्ट जो औली का स्टार्टिंग पॉइंट है, वहाँ की तस्वीर, झमाझम बर्फबारी हो रही है, सुबह की तस्वीर है। और जहाँ देखो वहाँ बर्फ, औली में इस समय 3 फीट बर्फ ऊपर आ चुकी है 10 नंबर टावर के आसपास, 8 नंबर टावर तक। उसके नीचे यहाँ 2 फीट बर्फ है और बर्फबारी के बीच ही यहाँ पे लोग पहुँच रहे हैं इस समय। और जो वादियाँ हैं अपने आप में बर्फ़ से लकदक हो चुकी हैं, क्योंकि बर्फ जब आती है तो सब कुछ अपने आप में बेहद खूबसूरत दिखाई देता है। बस ठंड को छोड़कर, ठंड कभी भी खूबसूरत नहीं दिखती है, क्योंकि जो भी आता है वो बर्फ़ देख तो खुश होता है, लेकिन जब ठंड होती है तो वो परेशान हो जाता है। हर कोई यहाँ पे परेशान सा हो जाता है, क्योंकि ठंड इतनी ज़्यादा होती है, हाथ एकदम ठंडे हो जाते हैं। और ये बर्फ़ की 2 से 2.5 फीट मोटी बर्फ़ की चादर जम चुकी है। ये सुबह की तस्वीर है और मौसम ने थोड़ी सी राहत दी दोपहर बाद, उसके बाद हम लोग भी पहुंचे थे। और ये आप लीजिए आनंद।
मौसम ने थोड़ी सी राहत दी तो हम भी पहुंचे ओली। और ये देखिए बर्फ के ऊपर जब गाड़ियां चलती हैं, पेड़ पौधे सब बर्फ से लकदक रहते हैं, अपने आप में बेहद खूबसूरत ये नज़ारा होता है। और ओली पहुंचते ही हमें धूप ने थोड़ी सी राहत दी और हर कोई यहाँ पे हमें बर्फ में खेलता हुआ नजर आया और तस्वीर बेहद खूबसूरत। गाड़ियों के ऊपर इतनी ज़्यादा बर्फ, मकान सब कुछ, यहाँ पे जब आसमान साफ़ होने लगा तो यहाँ की तस्वीर भी अब धीरे धीरे साफ़ होती हुई दिखाई दे रही है। ये पर्यटकों की गाड़ी है जो गाड़ी से आए थे, लेकिन अब इन्हें वापस जाने में थोड़ा सा परेशानी का सामना करना पड़ सकता है क्योंकि पाला जम जाएगा, तो ऐसे में कैसे जाएँ ये वाला वो है। तब तक आप लोग भी ओली की वादियों का ये बेहद खूबसूरत यहाँ का नज़ारा इस समय देखने को मिल रहा है, आप भी उठाओ इसका आनंद। और अब हम पहुंचे हैं कृत्रिम झील, जो आर्टिफिशियल लेक है उसकी साइड। यहाँ पे तो बहुत ज़्यादा 3 फीट के आसपास बर्फ है। मौसम बार बार करवट बदल रहा, तभी धूप तभी छाँव तभी बर्फबारी देखने को मिल रही है। और ये इधर का नज़ारा, हर कोई इस समय बहुत खुश है। भले ही अगर ये बर्फबारी हमें दिसंबर जनवरी में मिल जाती तो आज भी हमें ओली में ज़बरदस्त बर्फ़ देखने को मिलती, शायद ये बर्फ़ उसके ऊपर जमती। लेकिन ये मार्च में आ रही है बर्फ़ तो बहुत जल्दी पिघल जाती है, ये पानी वाली होती है। और ये देखिए टूरिस्ट जो है कि ये 2 से 3-4 दिन, ज़्यादा से ज़्यादा हफ्ता डेढ़ हफ्ता बर्फ दूर दूर मिलेगी, लेकिन ऐसी नहीं मिलेगी। और ये देखिए पेड़ पौधे सब, ओली की वादियाँ पूरी तरह से बर्फ से लगदग, एकदम बेहद खूबसूरत इस समय ओली का नज़ारा देखने को मिल रहा है। अगर आप लोग एक हफ्ते के अंदर आना चाहते हैं तो ओली में पर्याप्त बर्फ़ है। अगर एक हफ्ते के बाद आना है तो एक बारी फिर से आप पूछ सकते हैं कि ओली आना है, बर्फ है या नहीं है, हम आपको सटीक जानकारी दे देंगे। बर्फ़ देखने को तो अभी 15-20 दिन मिलेगी पूरी,
लेकिन इतनी ज़्यादा नहीं मिलेगी जैसे अभी। ये देखिए हर तरफ दिख रही है, रास्ते एकदम साफ़ हो जाएंगे तब तक। फिर आपको ऐसी जगहों पे बर्फ़ देखने जाना पड़ेगा, होली में ही दिखेगी, मगर आपको हर तरफ नहीं मिलेगी, रास्ते खाली दिखाई देंगे और चेयरलिफ्ट से आपको वैसा नज़ारा नहीं दिखाई देगा जैसा अभी दिखाई दे रहा है। अब बर्फ़ आ गई है, अब होली गुलजार हो चुका है, एक बार फिर से बर्फ़ की मखमली चादर हर तरफ बिछी हुई है। तो अगर आप लोग आना चाहते हैं तो आइए। वैसे बर्फ़बारी का सही समय दिसंबर और जनवरी ही होता है, फरवरी में भी बहुत जल्दी पिघल जाती है, वो भी काम की बर्फ़ नहीं होती है। ये हैं होली की वादियाँ। अगर आप लोग पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, वीडियो को शेयर भी कीजिए हो सके तो। अब चलिए, अब यहाँ से हम चेयरलिफ्ट से आपको कराते हैं होली की वादियों का दीदार, आप लोग भी उठाइए आनंद। अगर होली आएँ और चेयरलिफ्ट का अगर आप लोग आनंद नहीं उठा पाए तो कोई मज़े की बात नहीं है। तो होली आएँ तो चेयरलिफ्ट में ज़रूर बैठें। और दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो शेयर कीजिएगा। जय बद्री विशाल, जय बाबा केदार। भगवान बद्री विशाल और बाबा केदार की कृपा आप सभी लोगों पर बनी रहे। यह था आज का होली। जय बद्री विशाल।